दिल्ली बदरपुर फरीदाबाद बॉर्डर पर नहीं दिखा चक्का जाम का असर। आज किसानों द्वारा चक्का जाम का ऐलान किया गया था, जिसके चलते दिल्ली के बॉर्डर पर जगह जगह सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था कि फिर से 26 जनवरी जैसा उपद्रव दिल्ली में दोहरा जाए। तस्वीरें आप दिल्ली बदरपुर फरीदाबाद बॉर्डर की देख रहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक सामान्य रहा और किसी भी तरह के चक्के जाम का असर यहाँ नहीं दिखा। सिक्योरिटी और बैरिकेड सड़क पर दिखे, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान वहाँ पर डटे हुए हैं। मगर बात करें ट्रैफिक की, तो किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं दिखा, ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य रहा। राहगीरों की ने बताया कि पिछले 71 दिनों से जो वो परेशानियाँ झेल रहे हैं, जैसे कि अब ऑटो बदरपुर बॉर्डर तक नहीं जाते, उनको पहले ही फरीदाबाद में रुकना पड़ता है, वह परेशानियां उनके साथ अभी भी चली आ रही हैं। उन परेशानियों में परिवर्तन नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन जो असर चक्का जाम का दिखना था वो इस तरीके से नहीं दिखा, और कोई भी असर चक्का जाम का दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम मलिक, किस तरीके से यहाँ पे बदरपुर बॉर्डर पर हालात बने हैं? अभी चक्का जाम का समय चल रहा है। नहीं, यहाँ पे हालात जो हो ठीक है, पर यहाँ पे स्थिति सामान्य है। पुलिस बल तो तैनात है, बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं साइड में, पर यहाँ चक्का जाम जैसा ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप देख रहे हैं, ना कोई जाम है, ना कुछ है, मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे लगे चक्का जाम हो जाए। तो कोई ट्रैफिक जाम भी लग रहा है कभी? नहीं नहीं, कुछ यहाँ कुछ भी नहीं है, ना ट्रैफिक जाम है। आवागमनी कम है यहाँ पर, तो आदमी इक्का दुक्का निकल रहे हैं, खा पी रहे हैं आराम से, मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं है। कामों पर आराम से जा रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब समझा जाए कि ये एकदम चक्का जाम जो है फेल नजर आ रहा है? जी जी, यहाँ से फेल नगर नजर आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्थिति एकदम सामान्य नॉर्मल है। लेकिन जो पिछले दिनों से 71 दिनों से दिक्कत चली आ रही है, वो भी अभी दिक्कत बनी हुई है, जैसे ऑटो नहीं रुकते और पैदल जाते हो आप लोग? जी, ऐसा बॉर्डर पे, वैसे यहाँ पर हम लोग हैं तो यहाँ तकरीबन नाके बराबर ऐसा कुछ, बाकी अदरवाइज कहीं हो तो कह नहीं सकते उस बात।